और पेट टेलीफोन में पीसीबी किट कैसे रिप्लेस करते हैं वो हम आपको बताने जा रहे हैं। उसके लिए आपको दो टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी, एक टू पार्ट स्क्रू ड्राइवर और एक फोर पार्ट स्क्रू ड्राइवर। पीसीबी किट बदलने के लिए सबसे पहले आपको हैंडसेट जैक से निकालना है। हैंडसेट जैक से निकल गया है, उसके बाद टेलीफोन को उल्टा करके बैक कवर फ्रंट कवर में से निकालना है। उसके लिए यहाँ पर चार स्क्रू दिए गए हैं, वो चार स्क्रू को खोलना है। स्क्रू खुल जाने के बाद बैक कवर को फ्रंट कवर से अलग करना है। इस तरह से आपका बैक कवर फ्रंट कवर से अलग हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो कॉइल कॉर्ड का जैक दिया है उसको खींचना है। उसके निकल जाने के बाद यहाँ पर लाइन का कॉइल कॉर्ड दिया है उसको निकालना है। एक बार जैक निकल जाने के बाद यहाँ पर मेन पीसीबी के तीन स्क्रू दिए गए हैं, उन्हें खोलना है। मेन पीसीबी के स्क्रू खुल गए हैं, यहाँ से स्पीकर को निकालना है। इसके बाद यहाँ पर कीबोर्ड पीसीबी को निकालना है, उसके लिए यहाँ पर चार स्क्रू दिए गए हैं। इस तरह से आपकी पीसीबी टेलीफोन में से निकल जाएगी। अब हम टेलीफोन में नई पीसीबी फिट करेंगे। उसके लिए डायल पीसीबी को यहाँ टॉगल के साथ अलाइन करके यहाँ पर जो लॉक दिया गया है उसको फिक्स कर देंगे। उसके बाद स्क्रू से इसे टाइट कर देंगे। डायल पीसीबी फिट होने जाने के बाद अब हम मेन पीसीबी को बैक कवर में फिट करेंगे। उसके लिए सबसे पहले स्पीकर को यहाँ पर ऐसे लॉक कर देंगे। स्पीकर फिट होने के बाद मेन पीसीबी को यहाँ पर फिट करेंगे। उसके लिए अब यहाँ पर स्क्रू को फिट करेंगे। स्क्रू फिट करने के लिए अलाइनमेंट होना जरूरी है। इस तरह से मेन पीसीबी भी फिट हो जाएगी। उसके बाद
यहाँ पर जो कॉइल कोड का जैक है उसे यहाँ पर जो लॉक दिया गया है उसमें फिक्स कर देंगे, और ये जो लाइन जैक है उसे इस जगह पर फिक्स कर देंगे। ये लाइन जैक का कवर है, उसको उसके ऊपर फिक्स करने के बाद फ्रंट कवर को बैक कवर के साथ फिट करेंगे। फिट करने के लिए यहाँ पर जो चार स्क्रू दिए गए हैं उसको टाइट करेंगे। सब स्क्रू को अच्छे से लॉक कर लेंगे। और जो हमारा हैंडसेट का जैक है उसे यहाँ पर इस तरह से फिट कर लेंगे। इस तरह आप टेलीफोन में पीसीबी किट रिप्लेस कर सकते हैं।